मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए संपन्न, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे, लेकिन वोटिंग खत्म होते ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हुआ जारी। भाजपा का हो गया सुपड़ा साफ, कांग्रेस की बन रही है पूर्ण बहुमत से सरकार। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों मध्य प्रदेश में वोटिंग खत्म हो चुकी है और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जिस जनता ने आज अपना वोट डाला है उन्होंने अपना फाइनल रिजल्ट कैमरे पर आकर दे दिया है कि मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार 3 दिसंबर को बनने जा रही है। तो हम आपके लिए मध्य प्रदेश का वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहला महा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मध्य प्रदेश में मिलने जा रही है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों को जिला बाय जिला एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। अगर आपको ये ओपिनियन पोल अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर। चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले जिले की जिसका नाम है उज्जैन। उज्जैन में विधानसभा की 7 सीटें हैं, यहां पर भाजपा को 3 सीटें मिलने जा रही हैं जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा रही हैं। वहीं दोस्तों बात करें इंदौर की, इंदौर में विधानसभा की 9 सीटें हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 5 सीटें, अन्य का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। वहीं दोस्तों जबलपुर की बात की जाए, जबलपुर में विधानसभा की 8 सीटें हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं जबकि कांग्रेस को भी यहां पर 4 सीटें मिल रही हैं। दोनों पार्टियों की यहां पर कड़ी टक्कर नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करें जिसका नाम है ग्वालियर, ग्वालियर में विधानसभा की 6 सीटें हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए छतरपुर की, छतरपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 4 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाजपा को यहां बड़ा झटका लग रहा है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए जिसका नाम है पन्ना, पन्ना में विधानसभा की 3 सीटें हैं, यहां पर भाजपा को 1 सीट मिलती नजर आ रही है जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 सीटें जा रही हैं। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करें जिसका नाम है सतना, सतना में विधानसभा की 7 सीटें हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 3 सीटें जा रही हैं जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए दतिया की, दतिया में विधानसभा की 3 सीटें हैं, यहां पर भाजपा को 1 सीट मिल सकती है जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में दतिया में 2 विधानसभा सीटें जा रही हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए भिंड की, भिंड में विधानसभा की 5 सीटें हैं, यहां पर भाजपा को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं, अन्य का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए गुना की, गुना में विधानसभा की 4 सीटें हैं, यहां पर भाजपा को 1 सीट जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीटें गुना में जा रही हैं, यानी कि भाजपा को यहां बड़ा झटका लग रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए सागर की, सागर में विधानसभा की 8 सीटें हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा रही हैं जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 5 विधानसभा सीटें जा रही हैं और अन्य को कोई सीट यहां पर नहीं मिल रही है। वहीं दोस्तों बात की जाए मुरैना की, मुरैना में विधानसभा की 6 सीटें हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 2 सीटें जा रही हैं जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 4 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए शिवपुरी की, शिवपुरी में विधानसभा की 5 सीटें हैं, यहां पर भाजपा को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीटें और अन्य का यहां पर सफाया हो रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए रतलाम की, रतलाम में विधानसभा की 5 सीटें हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 3 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। भाजपा को यहां भी झटका लग रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए टीकमगढ़ की, टीकमगढ़ में विधानसभा की 4 सीटें हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 1 सीट जा रही है जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए भोपाल की, भोपाल में विधानसभा की 7 सीटें हैं, यहां पर भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं जबकि कांग्रेस पार्टी को 5 विधानसभा सीटें और अन्य को 0, यानी कि भोपाल में भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले जिले की जिसका नाम है सिंगरौली, सिंगरौली में विधानसभा की 3 सीटें हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 1 सीट जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, अन्य का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए रीवा की,
रीवा में विधानसभा की 8 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा को 4 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को भी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। अन्य को यहाँ पर 0, यानी कि कांग्रेस और भाजपा की यहाँ पर कड़ी टक्कर है। वहीं दोस्तों बात की जाए शहडोल की, शहडोल में विधानसभा की 3 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए उमरिया की, उमरिया में विधानसभा की 3 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा रही हैं। अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। उमरिया में भाजपा को झटका लग रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए डिंडोरी, डिंडोरी की, यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा को 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट। अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। डिंडोरी में दोनों ही पार्टियाँ कांग्रेस भाजपा एक एक सीट पर कई टक्कर के साथ नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए अशोकनगर की, अशोकनगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है और अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। वहीं दोस्तों बात की जाए अनूपपुर, अनूपपुर में विधानसभा की 3 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें। अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। भाई दोस्तों बात की जाए मंडला की, मंडला में विधानसभा की 3 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को मंडला में मात्र 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात की जाए छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में विधानसभा की 7 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जीतती नजर आ रही है। भाजपा को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान होता नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए बालाघाट की, बालाघाट में विधानसभा की 6 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है, मात्र 2 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जा रही हैं। अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात की जाए कटनी की, कटनी में विधानसभा की 4 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जीतती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात की जाए सीओपुर, सीओपुर में विधानसभा की 2 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं अन्य का भी यहाँ पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करें जिसका नाम है नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जा रही हैं। दोनों ही पार्टियाँ यहाँ पर कांटे की टक्कर के साथ चुनाव जीतती नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करें जिसका नाम है सिंधी, सिंधी में विधानसभा की 4 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा सीटें। अन्य का यहाँ खाता नहीं खुला है। कांग्रेस यहाँ पर बंपर जीत हासिल करती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात की जाए साजापुर, साजापुर में विधानसभा की 3 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और भाजपा को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और यहाँ पर बीजेपी 1 सीट ज़्यादा जीत रही है। वहीं दोस्तों बात की जाए बड़वानी की, बड़वानी में विधानसभा की 4 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों बात की जाए धार की, धार में विधानसभा की 7 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 4 विधानसभा सीटें। अन्य का यहाँ खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात की जाए झाबुआ की, झाबुआ में विधानसभा की 3 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को झाबुआ में 2 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों बात करें अलीरापुर, अलीरापुर में विधानसभा की 2 सीटें, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। भाई दोस्तों अगले जिले की बात करें जिसका नाम है खरगोन, खरगोन में विधानसभा की 6 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को मात्र 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा रही हैं। अन्य का यहाँ पर सफाया हो रहा है। भाई दोस्तों बात करें खंडवा की, खंडवा में विधानसभा की 4 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को भी 2 विधानसभा सीटें। दोनों पार्टियां यहां पर कांटे का चुनाव लड़ रही हैं। वहीं दोस्तों बात करें देवास, देवास में विधानसभा की 5 सीटें हैं, यहां पर भाजपा को 2 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए आगर,
मालवा आगर मालवा में विधानसभा की दो सीटें, यहाँ पर दोनों की दोनों सीटें भाजपा को नहीं बल्कि कांग्रेस को मिल रही है। भाजपा का पूरी तरह यहाँ पर शिवपड़ा शाहपुरा है। वहीं दोस्तों बात करें राजगढ़ की, राजगढ़ में विधानसभा की 5 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीटें, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करें चिस्कना में सीहोर, सीहोर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिल सकती है जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा सीटें, अन्य का यहाँ खाता नहीं खुला। वहीं दोस्तों अगले बाकी बात करें जिले की रायसेन, जिसका नाम है रायसेन, रायसेन में 4 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर भाजपा को 1 सीट मिल सकती है जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों आपको बता दें अगले बाकी जिले की होशंगाबाद, होशंगाबाद में 4 विधानसभा सीटें, यहां पर भाजपा को 1 सीट मिल सकती है जबकि कांग्रेस पार्टी को 3, अन्य का 0। वहीं दोस्तों बात करें हरदा की, हरदा में विधानसभा की 2 सीटें हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना है, अन्य का यहां पर 0 आता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें विदिशा की, विदिशा में विधानसभा की 5 सीटें हैं, यहां पर भाजपा को 2 सीटें मिलने जा रही हैं जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीटें, अन्य का यहां पर भी खाता नहीं खुला है। कांग्रेस यहां पर बंपर जीत हासिल कर रही है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करें जिसका नाम है बैतूल, बैतूल में विधानसभा की 5 सीटें हैं, यहां पर भाजपा को 3 सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा रही हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए नीमच की, नीमच में विधानसभा की 3 सीटें हैं, यहां पर भाजपा को 1 सीट जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों बात की जाए मऊगंज, मऊगंज में विधानसभा की 1 सीट है और 1 की 1 सीट यहां पर भाजपा के खाते में जा रही है, कांग्रेस अन्य का यहां पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करें जिसका नाम है निवाड़ी, निवाड़ी में विधानसभा की 1 सीट और 1 की 1 सीट यहां पर कांग्रेस को मिल रही है, भाजपा अन्य का निवाड़ी जिले में खाता नहीं खुला है। दोस्तों बात करें धमोह की, धमोह में विधानसभा की 4 सीटें हैं, यहां पर भाजपा को 1 सीट मिल सकती है जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, अन्य का यह खाता नहीं खुला है। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का बड़ा ओपिनियन पोल। इसके मुताबिक आपको बता दें जो 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं उनके मुताबिक आपको बता दें मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 143 सीटें मिल सकती है जबकि भाजपा को कुल 87 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। यानी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने दमपत पूर्ण बहुमत से 143 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है और भाजपा का अब की बार मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से सुपड़ा शाह हो रहा है। आपकी क्या राय है इस ओपिनियन पोल पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।